अस्सलाम वालेकुम जी, वेखो पंजाब चैनल ते जी आयां सुणियो जिउंदे वास्ते रहो। मैं सज्जाद जट नवीं ते अनोखी जानकारी लैके तुहाडे रूबरू हाजर हाँ। अज एक गुल्लूकार ते अदाकार डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनासन भट्टी होरी ते उहनां दे निक्के भरा किफायत हुसैन कैफी, यानी कि जिन्हां नूं कैफी साहब आख्या जांदा, बहुत वड्डे दोनों हीरो वी होए। उहनां दा एक होर निक्का भरा वी आया सी, शुजात हुसैन भट्टी, वह भी फिल्म हीरो आया। तो एक फिल्म के जो आलिया के नाल हीरो सी, सैट के उत्ते शूटिंग करदिया झूठी मूठी की वह कुहाड़ी मारनी सी एक्सट्रा नूं, लेकिन सच्ची मार के बंदे का गाटा ला दिता, उन्हें बंदा मार दिता। फिर किस तरह वह लाहौर छड़ के भज गया कराची, अजे तक भी वह याद ने। किसी दिन तुहाडा इंटरव्यू करवा देंगे, उन्होंने नाल गलबात करवा देंगे, उन्होंने जानकारी कि वह सारा वाकया की बनया, कि फिल्म सी, किहड़ा सैट, किहड़ा साल सी, की सारा फिर वो केस बनया कि वो जेड़े सन एक्सट्रा दे वार सन, उन्होंने की आखिया, की मांग की थी। पहली बारी ऐसी कोई जानकारी जो थोड़े सामने असं रखन जा रहे हैं। उम्मीद करांगा चैनल के नाल जुड़े रहोगे तो मुहब्बतां दोगे, सबसक्राइब करो, तुहाडी मुहब्बतां दी लोड़ है, मुहब्बतां नाल ही सारे काम सोने चलते हैं। लो फिर जिउंदे वास्ते रहो, तुहानू प्रॉपर जिहड़ी कहानी सुणाना मैं। ये साल 1968 सी, ते भट्टी प्रोडक्शन यानी कि अपनी भट्टी बरादरां दी अपनी प्रोडक्शन जिहड़ी है ना, इहदे विच ये फिल्म बना रहे सन इश्क दीवाना, जिहदे विच हीरो हुंदे ने कैफी साहब, उहनां दे नाल उहनां दी बीवी गजाला साहिबा, फिर उहदे विच एक अपना दूसरे जिहड़े हीरो हुंदे ने उह इहनां दा भरा हुंदा निक्का शुजात हुसैन भट्टी साहब, उहनां दे नाल आलिया बेगम ने बड़ा शानदार रोल कीता है। फिर इस फिल्म दे विच फिरदौस बेगम ही रांझा वाली ने, फिरदौस साहिबा ने एक पगली का पागल एक औरत का रोल किया बड़ा शानदार। फिर ये असद बुखारी ने रोल किया बड़ा प्यारा, सुल्तान राय जिहड़ा उन्हें एक गुंडे बदमाश का रोल किया जिहड़ा कि असद बुखारी का प्यो हुंदा है। हर तरीके ना बहुत बहुत प्यारी मूवी है। फिर ये मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने एक जनाने का रोल किया, बहुत प्यारी फिल्म है यार। अच्छा, इस फिल्म 1968 में जदों ये बन रही सी ना, तो ये सैट के उत्ते ना फाइट होनी सी शुजात हुसैन भट्टी की एक्सट्रा दे नाल गुंडिया बदमाशा दे नाल। हुण जदों जिस कड़ी ये फाइट होनी है ना, सैट लग गया सारा कुछ ही, उत्थे वो जमाना ऐसा सी, अज ते वे ना कि जिहड़ियां कुहाड़ियां तलवारां तुसीं वेखदे कोई गत्ते दी हुंदी उत्ते पेंट होया हुंदा है ताकि किसी को वाधा घाटा ना हो जाए, वो ऐसे वजह तो अज इन्हां चीज़ां नूं जिहड़ा ना रखिया जांदा है। लेकिन वह जमाना ऐसा सी कि उदों असल जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां नूं फिल्मां दे विच पेश कीता जांदा सी। इसे तरह ही शुजात हुसैन भट्टी होरां जिहड़ी ने कुहाड़ी फड़ा दित्ती गई कि एक्सट्रा नूं तुसीं मारनी है जी, वैसे तो मूँह के कोलों दी एवें नगाड़ी हुंदी है तो उन्हें एवें करना हुंदा ना, लेकिन उहदे च हुंदा की कि मिसटेक होई, गलती, रब उहनां कुछ ऐसा भाणा वरतना सी कि जिहड़े एक्सट्रा सन ना उन्होंने जदों इन्हां ने मारी ना, वह बंदा थोड़ा पिछे ना हट सकिया या इन्हां दी बांह अगे टुर गई, उहदा गाटा लै गया, धौण ते वजी जिहड़ा कटिया गया ते बंदा भुंजे जा पिया। हुण सैट दे उत्ते जदों इक वारदात हुंदी उह तां खूनो खून हो जांदा बंदा, उत्थे विचारा उह दम दे छड्दा। हुण दम दिंदा ते पै हर फड़ी जांदी हुण की कीता जाए, की बण गया वे। उस वेले जर भट्टी बरादरां ने दोनों वड्डे भरा जिहड़े दोनों फिल्म दे विच काम वी करन डए सन, भट्टी वी करन डए सन, लिहाजा वह अपने भरा नूं जिहड़ा ना कराची दड़ा छड्दे ने तू नस जा, क्योंकि केस डाढ़ा हो जाता, बंदा जी मर जा, फिल्म ही रुक जाती है। हुण जिहड़े वारसां होंदे ना एक्सट्रा दे, वह कहिंदे ने कि असी तो कसास लैना, ये आखणगे तुसीं पैसे पूसे लै लो, दीयत लै लवो, लेकिन उन्होंने कहा असी पैसे नहीं लैने, असी तो खून का बदला खून बंदा ही मारना। वह जी फिर बड़ा मामला जरा ना बनिया लम्मा कि वह भट्टी साहब जिहड़े ने भज जांदे ने, ये फिर केस जिहड़ा चलता रहिंदा। तो इस तरह करके ये वाकया हुंदा है कि जिदे तो बाद फिर जिहड़ा ना फिल्मां विच रुझान हो गया कि यार इस तरह की असल चीज़ा जिहड़ियां ना वो ना पाइया जाण कि इस तरह को वाधा घाटा ना हो जाए ना, इस वास्ते फिल्मां विच हुण जिहड़े ना वो कोई गत्ते की शै बनी है कुहाड़ी वगैरह या होर इस तरह के कोई चीज़ा ना बना के तो मारते हैं कि अगर लग भी जाए किसी नूं तो चलो कोई एवें जानी नुकसान तो ना होए है जी। तो वो शुजात हुसैन ये हाँ ये जी फिल्म है फिर इश्क दीवाना ये वाहवा देर रुकी रही, ये 68 शुरू हुई, 71 जाके पूरी होकर तो फिल्म रिलीज होंगी।
ਤੇ ਸ਼ੁਜਾਤ ਹੁਸੈਨ ਭੱਟ ਬਾਕੀ ਅਨੈਸਨ ਭੱਟੀ ਤੇ ਕੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਸੁਆਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਯਾਤੀ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਜਾਤ ਹੁਸੈਨ ਕਰਾਚੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲਿਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਪਸ਼ੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫੋਟੋ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਫਰਮਾਓ ਉਸ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇਹ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਬਗਾਰ ਆ ਖਵਾਸਤਗਾਰ ਆ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਰਲੇ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਸਨ ਇਸੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਹੀਰੋ ਦਾ ਆਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੌਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੋ ਚਾਹਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਅੱਲਾ ਬਿਲ